देखिए ये जब ऊपर जा रहा है तो ये कुछ नहीं हो रहा है, ब्लैक लेटर कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा ब्लू पे काम हुआ था तो ब्लू ये हो रहा है। ठीक है, देखिए पूरा का पूरा आ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरके मल्लिक। मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर मान लीजिए आपके पास एक फॉर्म है और ये फिलअप हुआ है, मान लीजिए ब्लैक कलर का फॉर्म है, आप पेन में ब्लू कलर का इंक पेन में आप इसको फिलअप किए हैं, तो ये ब्लू कलर को कैसे हटाना है इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इजी तरीका है, एक दो मिनट का प्रोसेस है। अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरा वीडियो पे लगे रहिए, नहीं तो आप जा सकते हैं। मैं पहले खोल लेता हूं, मैं अभी यूज़ कर रहा हूं। ये किसी सॉफ्टवेयर आप कर सकते हैं, 7.0 में भी कर सकते हैं, CS3 CC, जो भी आपके पास अवेलेबल होगा कर लीजिएगा। मैं यहाँ डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ एक फॉर्म है, मैं इसको डाउनलोड किया हूँ नेट से। इसको हम क्लिक करेंगे और ओपन कर लेंगे। ठीक है, पहले हम इसको थोड़ा रिजोल्यूशन, जो आपका पास जो स्कैनिंग डॉक्यूमेंट होगा ये तो हाई रिजोल्यूशन होगा, ये मैं इसको डाउनलोड किया हूँ तो ये रिजोल्यूशन लो है। इसको हम अल्टर डबल आई प्रेस करेंगे तो हमारा रिजोल्यूशन पेन इमेज साइज आ जाएगा। हम यहाँ सिर्फ कर देंगे 300। ठीक है, देखिए यहाँ हमारा ये जो लेटर है ये फट रहा है, तो हम दूसरा एक इमेज लेंगे। लेकिन आप जब स्कैनिंग करके डॉक्यूमेंट लेंगे तो आपका थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं इसको डाउनलोड किया तो बहुत लो रिजोल्यूशन में, लेकिन मिनिमम आपका रिजोल्यूशन 300 होना चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं आएगा, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, मैं एक डाउनलोड किया था यहाँ ये वाला, इसको हम पहले क्या करेंगे 300 रिजोल्यूशन कर देंगे। अल्टर डबल आई प्रेस करेंगे, यहाँ हमारा 96 है, इसको हम करेंगे 300 और सिंपल ओके दबा देंगे। देखिए हमारा ये जो फॉर्म है ये अच्छा है, ये पूरा साफ सुथरा है, तो इसलिए काम करने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप देखिए आप इरेजर टूल लेंगे तो इसको थोड़ा ऐसे ऐसे करके आप डिलीट करेंगे, सॉरी यहाँ वाइट होना चाहिए बैकग्राउंड, डॉक्यूमेंट का पेपर जो कलर होगा वो उसका बैकग्राउंड होना चाहिए। इसका आप ऐसे 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 डिलीट करेंगे, बहुत टाइम जाएगा। कहीं पर भी आप अगर ब्लैक के ऊपर ब्लू चढ़ मैंने ओवरलैपिंग होगा तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा, तो हम आपको बताएंगे इजी तरीके से आप कैसे इसको कर पाएंगे। इसके बाद जाएंगे यहाँ जो आपका जो पैनल है, यहाँ मान लीजिए लेयर्स चैनल पाथ, ये जो पैनल है ये लेयर पे जाएंगे और आएंगे सीधा नीचे। ठीक है, यहाँ आएंगे, इसको एडजस्टमेंट लेयर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट इसको आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने से आपका यहाँ जो था ब्लू कलर ये क्या हुआ है, ग्रे हो गया है। ठीक है, यहाँ ए वाला मोटा लेटर जितना है ये था आपका ब्लू कलर, ये हो गया है ग्रे। आपको ये कलर याद रखना चाहिए, अगर आपका ब्लू है तो ब्लू कलर पे आपको काम करना है, अगर आपका यहाँ रेड है तो रेड पे काम करना है, येलो है येलो में, ग्रीन है ग्रीन में, तो हमारा यहाँ ब्लू है तो ये ब्लू कलर का क्या है। अगर हम इसको लेफ्ट तरफ लेंगे, देखिए जितना हमारा ब्लू कलर जो था ग्रे था वो ब्लैक हो गया है। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, ऐसे तो था हमारा, इसको हम क्या करेंगे व्हाइट, देखिए यहाँ डीप ब्लैक है यहाँ व्हाइट, व्हाइट के तरफ हम उसको लेना है, मतलब राइट साइड में लेना है। देखिए देखिए इजी तरीके से कैसे एक सेकंड में, मैं तो आपको ऐसे समझा रहा हूँ इसीलिए थोड़ा टाइम लगा, 30-40 सेकंड ज़्यादा लगा, नहीं तो आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये काम कर सकते हैं। ठीक है, देखेंगे, मैं ऐसे खोल लीजिए, इसको क्लिक करिए, ब्लैक एंड रेड क्लिक करिए, ब्लू कलर है यहाँ था तो ब्लू कलर इसको राइट को ले आए, बस हो गया है। देखिए मैं और एक बात बताना चाहता हूँ, देखिए यहाँ जो मास्किंग हुआ है अगर इसको हम मिटा दिए हैं, हमारा ये जो ब्लू कलर है अभी ये चला गया है। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, अगर हम वापस लाना है तो हम क्या करेंगे, इरेजर टूल लेंगे और इरेजर टूल लेने से इसको अगर हम ऐसे 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 करेंगे, देखिए ये जब ऊपर जा रहा है तो ये कुछ नहीं हो रहा है, ब्लैक लेटर कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा ब्लू पे काम हुआ था तो ब्लू ये हो रहा है। ठीक है, देखिए पूरा का पूरा आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे अगर इरेज कर देंगे इसके ऊपर जो मास्किंग हुआ है ये फिर आ जाएगा, लेकिन हमें हटाना है तो हमें कुछ और कुछ नहीं करना है, ऐसे करके हम इसको छोड़ देना है।
तो ऐसे आप इजी तरीके से आप किसी अगर कलर का फिलअप हुआ होगा, अगर आप फ्रेश फॉर्म चाहिए तो आप इसको इजी तरीके से ले पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल क्रिएटर रतिकांत को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय जगन्नाथ, जय हिंद।